नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सिंगर अंकित तिवारी के बारे में जानेंगे। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म आशिकी 2 से फेमस हुए अंकित तिवारी एक कमाल के सिंगर हैं। अंकित के पिता भी खुद का एक म्यूजिकल ग्रुप था जिसमें अंकित माता के भक्ति गीत गाया करते थे। उन्होंने जागरण पार्टियों में भी गाना गाया है। यूपी के कानपुर शहर के अंकित आज बॉलीवुड के एक मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। तो आइए अब जानते हैं अंकित के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, अपना करियर बनाने के लिए जब अंकित मुंबई आए तो मुंबई आने के बाद अंकित तिवारी की मुलाकात प्रदीप सरकार से हुई। प्रदीप सरकार उस समय अपनी अपकमिंग फिल्म पर काम कर रहे थे। हालांकि किन्हीं कारणों से उनकी फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और सरकार ने अंकित तिवारी को जिंगल पर काम करने का मौका दे दिया। जिंगल के साथ ही अंकित तिवारी ने टीवी प्रोग्राम के लिए म्यूजिक बनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि अंकित को फिल्मों के लिए गाना गाने का मौका तब मिला जब उनकी मुलाकात हबीब फैजल से हुई। अंकित तिवारी ने बैक टू बैक आशिकी 2, तेरी गलियां, सुन रहा है ना तू जैसे गाने गाए हैं। फैक्ट नंबर 2, अंकित तिवारी की शादी जो है वो एक अरेंज मैरिज है। अंकित तिवारी की दादी राम कुमारी तिवारी की मुलाकात उनकी पत्नी पल्लवी से ट्रेन में हुई थी। दादी को पल्लवी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पोते के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से इनकी शादी तय हुई। इसके बाद इस जोड़ी ने सगाई की और अंकित ने मीडिया रिपोर्ट को उनकी शादी की खबरों के बारे में बताया। फैक्ट नंबर 3, सुन रहा है तू म्यूजिक कंपोजर और आशिकी 2 के सिंगर के रूप में फेमस हुए अंकित तिवारी ने संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। आशिकी 2 के बाद अंकित को एक विलेन और रॉय जैसी फिल्मों में उनके रोमांटिक लव सॉन्ग के लिए जाना जाता है। बता दें कि अंकित बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में रोमांटिक गाने गा चुके हैं और कईयों को कंपोज भी कर चुके हैं, इसलिए लोग उन्हें रोमांटिक सिंगर कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अंकित तिवारी बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं और उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकित तिवारी को फैशनेबल ड्रेस पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और वो अपने अकाउंट पर फैशनेबल आउटफिट्स की फोटो पोस्ट करते रहते हैं। अंकित तिवारी को लाल, ब्लैक और वाइट कलर पाना बहुत ही अच्छा लगता है। अंकित तिवारी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और वो हेल्दी फूड खाना ही पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर हम बात अंकित तिवारी के पसंदीदा खाने की करें तो उन्हें कश्मीरी दम आलू, गुलाब जामुन, राजमा चावल और खिचड़ी खाना पसंद है। इसके अलावा उनके फेवरेट जो एक्टर हैं वो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान हैं। एक्ट्रेस में उन्हें दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर पसंद हैं। इसके अलावा उनके पसंदीदा गायक R.D. बर्मन, K.K. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, किशोर कुमार, A.R. रहमान और माइकल जैक्सन हैं। फैक्ट नंबर 6, वो गायक के अलावा एक प्रशिक्षित पियानो कलाकार भी हैं। फैक्ट नंबर 7, वो ब्रदरहुड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर हैं जो एक सेलिब्रिटी प्रबंधन और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। फैक्ट नंबर 8, आपको बता दें कि अंकित तिवारी ने अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट का फेमस गाना दिल चीज तुझे दे दी गा चुके हैं। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने इसे कंपोज भी किया है। हालांकि जब गाना रिलीज हुआ तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये गाना अंकित का है, क्योंकि सिंगर को हमेशा से रोमांटिक गानों के लिए ही जाना जाता है। तो ये थे अंकित तिवारी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।